नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। बुद्धिज्म मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं फ्रेंड्स, जैनिज्म में शुरू कर रहा हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा और जो अगली वीडियो होगी जैनिज्म में उसके मैं बताऊंगा मैं आपको 9 तत्वास ऑफ जैनिज्म, और इन दोनों को कंप्लीट करते हमारा जैनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। उसके साथ साथ ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैनिज्म बहुत पहले ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत पहले बोल रहा हूं और एक एग्जैक्ट डेट या एक एग्जैक्ट साल नहीं बोल पा रहा हूं, चूंकि इस पर काफी डिबेट है और कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि जैनिज्म कब शुरू हुआ। लेकिन इतना जरूर श्योर है कि भाई बुद्धिज्म से बहुत पहले जैनिज्म ओरिजिनेट हो गया था। तो सवाल यह होता है कि महावीर जी ने क्या किया। अभी हम जैनिज्म की बात करेंगे तो महावीर जी की बात करेंगे। अब जब हम महावीर जी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो महावीर जी के देखिए बहुत से नाम है। एक नाम है उनका वर्धमान, वर्धमान महावीर भी बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद उनका बहुत वीर नाम है उनका, फिर उनका सन्मति भी नाम है, ठीक है। ऐसे बहुत से नाम है महावीर जी के। अच्छा, उनको तमिल टेक्स्ट में कुछ बोला जाता है, उनको तमिल टेक्स्ट में गणत पुत्र कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो तमिल टेक्स्ट में उनको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, गणत पुत्र, GNATPUTRA। ये इतनी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। पाली में उनको निगंत नाथ पुत्र कहा जाता है, जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए। 24वें तीर्थंकर है जैनिज्म के, जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर है। उनका जो जन्म हुआ था वो 599 BC के अराउंड हुआ था, 599 BC के अराउंड इनका जन्म हुआ था। 24th तीर्थंकर है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। खैर, ये चीजें तो बहुत कॉमन है और बहुत जगह पे आपको ये फैक्ट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। इनके फादर का नाम था किंग सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रिका क्षत्रिया के हेड हुआ करते थे इनके फादर। इनकी मदर का नाम था त्रिशिला और ये जो त्रिशिला थी ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेतक नाम का एक रूलर था, उसकी बहन थी इनकी मां, ठीक है। अब अगर हम महावीर जी के गोत्र की बात करें तो महावीर जी का गोत्र कश्यप था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर जी की फैमिली को संस्कृत में जनत्री बोलते हैं और प्राकृत में नाथ बोलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके के सवाल तो पीसीएस में भी काफी कम पूछे गए हैं। मेल मेंबर्स को जो जैनिज्म फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको जनाती पुत्र कहा जाता था या नाथ पुत्ता कहा जाता था। हुआ ये फ्रेंड्स कि 30 साल की उम्र पे महावीर जी ने अपना घर छोड़ दिया, रॉयल फैमिली छोड़ दी। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इनके जो फादर थे किंग सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिका क्षत्रिय के लीडर थे, तो मतलब इनका जो बचपन था रॉयल था काफी, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। काफी हद तक ये बुद्ध जी की तरह जिन्होंने 29 साल पे अपने सारे वर्ल्डली पोजिशन छोड़ दिए थे, इन्होंने किस पे छोड़े, 1 साल बाद 30 साल पे छोड़ दिए। उन्होंने रॉयल लाइफ छोड़ दी, 12 साल तक ये साधुओं की तरह इधर उधर मेडिटेशन करते घूमते रहे और फाइनली इनको सुप्रीम नॉलेज मिला जैनिज्म का, जिसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान। तो कैवल्य ज्ञान जैनिज्म का सबसे सुप्रीम नॉलेज है, और जब इनको नॉलेज मिल गया तब इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भाई अब मुझे इस नॉलेज को दुनिया को देना है और दुनिया को सही रास्ता दिखाना है। इसलिए फिर ये पूरे देश में घूमते रहे, लोगों को बताते रहे कि ट्रुथ क्या है, फ्रीडम क्या है, और की बाकी बची हुई जिंदगी इसमें बीत गई। और पावापुरी नाम की एक जगह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, अभी वहां पे इन्हें निर्वाण मिला। निर्वाण आप कह सकते हो कि इनकी मृत्यु हो गई, तो मित्री हो गई, तो निर्वाण का मतलब क्या हो गया कि इनको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो इनको निर्वाण मिल गया पावापुरी में 72 साल की उम्र पे। अब यहां पे फ्रेंड्स जब जैन फिलोसफी की बात होती है ना तो 2-3 चीजें हैं। देखिए, जब भी जैन फिलोसफी की बात होगी फ्रेंड्स तो 2 ट्रेडिशन आएंगे, एक तो आएगा श्वेतांबर ट्रेडिशन और एक आएगा दिगंबर ट्रेडिशन। जब दिगंबर ट्रेडिशन की बात आएगी तो बात आएगी भद्रबाहु की, और जब श्वेतांबर ट्रेडिशन की बात आएगी तो बात आएगी स्थूलबद्ध की। ये जो स्थूलबद्ध थे ना ये भी भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि आप इनके मतलब आइडियाज में चेंजेस आ गए थे, भद्रबाहु कुछ और कह रहे थे, स्थूलबद्ध कुछ और कह रहे थे। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको इससे रिलेटेड। क्या हुआ फ्रेंड्स कि भद्रबाहु ने ये गेस किया, ये प्रिडिक्ट किया कि 12 साल का फैमिन आने वाला है, तो वो लगभग 12,000 जैन मॉन्क्स को लेके अपने साथ साउथ इंडिया की ओर चले गए भद्रबाहु, और इन जैन मॉन्क्स में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे भद्रबाहु के साथ। तो भद्रबाहु 12 साल के लिए चले गए आपका साउथ इंडिया में,
स्थूल भद्र यही रह गए नॉर्थ इंडिया में। तो स्थूल भद्र ने स्थापना की श्वेतांबर ट्रेडिशन की, श्वेतांबर, और भद्रबाहु ने जिस ट्रेडिशन को बनाए रखा उसको बुलाता है दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर में इतना फर्क है कि दिगंबर थोड़ा ज्यादा रिजिड है और श्वेतांबर थोड़ा कम रिजिड है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है। ठीक है, अब देखिए श्वेतांबर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि भाई महावीर जी की शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, और जब उनको उनकी वाइफ से शादी हुई तो उनको एक डॉटर हुई, उस डॉटर का नाम था अनुजा या प्रियदर्शना। और ये जो डॉटर थी इनकी प्रियदर्शना, इनकी शादी हुई जमाली नाम के व्यक्ति से, और ये जमाली भी आपके डिसिपल थे महावीर के। तो ये तो फ्रेंड्स थ्योरी है आपकी श्वेतांबर ट्रेडिशन के हिसाब से, श्वेतांबर, श्वेत आप वाइट से याद रखिएगा। लेकिन दिगंबर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो ये बोला जाता है कि भैया आपकी महावीर जी की शादी ही नहीं हुई है। समझ गया बात को? तो आप समझ लीजिए कितना फर्क है इन दोनों की सोच में। बहुत से ऐसे फर्क हैं जो दोनों की सोच में अलग होते हैं, यानी श्वेतांबर ट्रेडिशन दिगंबर ट्रेडिशन से बहुत चीजों में अलग होता है। वो किन किन चीजों में अलग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, समझ गए। अब आगे चलते हैं, जैन धर्म के एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जानते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। मतलब जैन धर्म का जो सबसे बेस है वही एक चीज पर टिका है, वो है नॉन वायलेंस। अगर आपने हिंसा की तो आप एक जैन हो नहीं सकते। और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बॉडी से मारे, आप किसी को माइंड से भी नहीं मार सकते, आप किसी को स्पीच से भी नहीं मार सकते। मतलब आप किसी को भला बुरा भी नहीं कहेंगे, मतलब आप किसी को अंदर से दुख भी नहीं पहुंचाएंगे। तो मतलब जैनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को हाथ पांव से मार दिया, उसको दर्द हुआ या उसका कत्ल कर दिया, खून कर दिया, तभी आप वायलेंस कर रहे हैं। अगर आप अपने मुंह से कुछ बुरा बोल रहे हैं, अगर आप उसको मेंटली परेशान कर रहे हैं, तब भी आप वायलेंस कर रहे हैं, और वो करना जैनिज्म में मना है। उसके बाद तो ये जो अहिंसा है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है आपका जैन धर्म का। उसके बाद जो दूसरा है वो है नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन मतलब आपको दुनिया की चीजों में ज्यादा नहीं घुसना है, अपने आप से मतलब रखना है, आपको अंदर डिजायर नहीं होना चाहिए। खैर उस चीज पे भी हम थोड़ी देर में आएंगे। जो बेसिक एसेंस है, जो टीचिंग है जैनिज्म की, वो तो हम 9 तत्व वाली वीडियो में देखेंगे, जो उसके बाद में बनाऊंगा। एक और फिलॉसफी आती है जैन धर्म के साथ, इसका नाम है अनेकांतावाद। इसको बोलते हैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए नॉन एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है, अब इस चीज को एक आदमी एक पर्टिकुलर तरीके से देखेगा, लेकिन इसी चीज को एक दूसरा आदमी एक दूसरे तरीके से भी देख सकता है। तो ये कोई एक रियल चीज भी हो सकती है, ये कोई इशू भी हो सकता है, ये कोई एक मैटर हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो चीज क्या है, अलग अलग इंसान अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, और अपनी अपनी जगह पे ये भी हो सकता है कि उन सबके नजरिए सही हो। यानी कि अनेकांतावाद की फिलॉसफी आती है जैनिज्म में, नॉन एब्सोल्यूटिज्म की फिलॉसफी आती है कि भैया बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को कंसीडरेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज पे टिक गए और फिर आपने उसी को सच मान लिया और किसी और बात को आप मान ही नहीं रहे हो। तो इससे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अनेकांतावाद की फिलॉसफी को जब जैनिज्म प्रोपोगेट करता है तो उसका मतलब वो किस चीज को प्रोपोगेट कर रहा है, वो टॉलरेंस को प्रोपोगेट कर रहा है, क्योंकि ये चीज टॉलरेंस को दिखाती है, अलग अलग व्यू को आगे आने का मौका देती है, अपनी बात कहने का मौका देती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स 6 द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं आपके जैनिज्म धर्म में। अब इन द्रव्यों के बारे में फ्रेंड्स जब मैं 9 तत्व बताऊंगा तो उसमें भी एक चीज के अंदर में आएंगे तत्व। यहां थोड़ा बहुत देख लेते हैं जीव और अजीव। तो जीव और अजीव में समझ सकते हैं, जीव में सारे लिविंग सब्सटेंसेस आ गए, अजीव में आ गए आपके सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस। फिर पुदागला, पुदागला मतलब मैटर। धर्म तत्व मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोशन। अधर्म तत्व मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। आकाश मतलब स्पेस, जो हमारे चारों तरफ जगहें हैं, और काल मतलब टाइम। तो ये 6 द्रव्य हैं। तो यहाँ पे आपको एक रट लेना है फ्रेंड्स, अगर 6 द्रव्य की बात आ जाए तो कौन कौन से हैं? जीव अजीव, पुदागला, धर्म तत्व, अधर्म तत्व, आकाश, काल। जीव और अजीव 1, पुदगला 2, धर्म तत्व 3, अधर्म तत्व 4, आकाश 5 और काल 6। रट लीजिए ये 6 द्रव्य हैं जैनिज्म के। बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए कि भैया अगर आपसे पूछ दे कि भैया जैनिज्म के कौन से 6 तत्व होते हैं, आपको जबान पे 6 रटे होने चाहिए। आगे चलते हैं, समसरा और मोक्ष के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। समसरा का मतलब क्या होता है? समसरा का मतलब ये होता है कि एक इंसान कंटिन्यूअसली, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक चीज कॉमन है कि मतलब एक इंसान मरेगा फिर रीबर्थ लेगा, फिर मरेगा फिर रीबर्थ लेगा, फिर मरेगा फिर रीबर्थ लेगा। तो उसका अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है निर्वाण, अल्टीमेट एम है लक्ष्य।
मतलब आपका समझ मोक्ष, सॉरी लक्ष्य बोल रहा हूँ मोक्ष, यानी कि संसारा में क्या हो रहा है इंसान की, भाई वो मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, ये जो विशेष साइकिल चल रही है इसमें फंसा हुआ है, उसका अल्टीमेट एम है निर्वाण मोक्ष, उसको निकलना है साइकिल से। तो संसारा वो साइकिल है जिससे एक जैन मॉन्क निकलना चाहेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, और उसके लिए उसे क्या चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ या कैवल्यगान। तो कैवल्यगान अगर आपसे पूछा जाए किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, आपका वैशेषिका से, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम दे सकता है और आपको ऑप्शन में पूछ देगा, याद रखिएगा कैवल्यगान इज एसोसिएटेड टू जैनिज्म। यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया फिर तो भगवान मालिक है। तो कैवल्यगान का मतलब ये एब्सोल्यूट नॉलेज, किसी भी एक इंडिविजुअल के बाद कैवल्यगान से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेंड्स आगे आते हैं, जैन संगीति की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए ये देखिए दिगंबर सेक्ट के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, भद्रबाहु, जैसे मैंने बताया था भद्रबाहु 12,000 मॉन्क्स को लेके साउथ चले गए थे, ठीक है, तो वो दिगंबर सेक्ट में बदल गया और जो यहाँ पे रह गए थे स्थूलपद वो श्वेतांबर सेक्ट में बदल गए। स्थूलपद एक टाइम पे भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे। जैन संगीति की बात करें फ्रेंड्स, तो पहली जैन संगीति हुई थी 300 BC में, इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था स्थूलभद्र में। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 AD में, जिसको हेड किया था वल्लभी गुजरात ने, और इसका सॉरी ये जो दूसरी जैन संगीति हुई थी ये हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे देवर्धि शमरमणा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, पहली संगीति 300 बीसी में, हेड किया था स्थूलभद्र ने, दूसरी जैन संगीति हुई 512 एडी में, हुई वल्लभी गुजरात में, चेयरमैन थे आपके देवर्धि शमरमणा। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इतनी चीजें हो गई। अब यहां पे फ्रेंड्स कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि भैया हल्का फुल्का मैं आपको बताऊंगा कि दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट इसमें फर्क क्या है। तो दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट इसमें फर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, दिगंबर सेक्ट थोड़ा ज्यादा रिजिड है, बहुत रिजिड है एक्चुअली, और ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है, मतलब इसमें जो कंडीशन है वो ज्यादा टफ नहीं है श्वेतांबर सेक्ट में, समझे फ्रेंड्स। अब दिगंबर सेट का ये कहना है कि भैया हमको अपने जैन धर्म को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो क्या होता है कि दिगंबर सेट के जो लोग हैं ना वो नेकड रहते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली सोचिए क्या नेकड रहना पॉसिबल है, जब पूरी दुनिया कपड़े पहन रही है तो आप नेकड रहो। इसलिए श्वेतांबर सेट के लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई नेकड रहने की जरूरत नहीं है, हम व्हाइट क्लॉथ पहन सकते हैं, ठीक है। तो एक फर्क तो ये आ गया आपका दिगंबर श्वेतांबर में। उसके बाद दिगंबर सेट के लोगों का ये मानना है कि हमें फूड की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए। अब ये चीज तो आज की डेट में लोगों को भरोसा ही नहीं होगी कि भाई एक जो परफेक्ट सेंट होता है केवलिन होता है, केवलिन मतलब जिसको एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गया, सुप्रीम ज्ञान मिल गया है। तो श्वेतांबर सेट के लोगों ने कहा कि भैया ऐसा ज्ञान कब मिलेगा कि हम खाना खा के जिंदा ना रह पाए। तो इस चीज में डिफर करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर सेट के लोग। दिगंबर सेट के लोग का कहना है कि भैया हम फूड खाए बिना जिंदा रह सकते हैं। फिर दिगंबर सेट के लोगों का बोलना है कि भैया शादी नहीं हुई आपकी महावीर जी की। वहीं पे श्वेतांबर सेट के लोगों का कहना है कि भाई शादी हुई है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स। उसके बाद दिगंबर सेट के लोग जो वुमेन है उसके प्रति थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी दिगंबर सेट के लोगों का ये बोलना है कि भाई वुमेन अपने वुमेन के अवतार में मोक्ष नहीं ले सकती, वुमेन को पहले मर के एक मैन के फॉर्म में पैदा होना होगा और उसके बाद वो मोक्ष ले सकती है। तो दिगंबर सेट वुमेन के प्रति थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब एक वुमेन वुमेन के फॉर्म में निर्वाण नहीं ले सकती, मोक्ष नहीं ले सकती, उसे पहले मरना पड़ेगा और फिर एक मैन की तरह पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद उसे मोक्ष मिल पाता है। तो ये बात भी उसमें बोली गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और ये भी बोला गया है फ्रेंड्स कि जितने भी तीर्थंकर है उनको नेकेड दिखाना चाहिए, ऑर्नामेंट्स के बिना दिखाना चाहिए, इस तरीके की चीजें बोल रखी है आपके दिगंबर सेट। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि दिगंबर सेट थोड़ा सा ज्यादा क्या एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जैनिज्म धर्म की बात करते हो तो नवकार मंत्र इनका एक बहुत होली मंत्र है, पूरे दिन किसी भी वक्त जो जैन होते हैं वो अपनी प्रेयर में इस नवकार मंत्र को बोल सकते हैं। अगर आप जैन धर्म की बात करोगे तो फ्रेंड्स जैन धर्म के प्रचार के लिए जो लिटरेचर लिखा गया है जिसको बोला था जैन लिटरेचर, उसमें आते हैं जैन अगमास। जैन अगमास आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। अगर हम बात करें कि भाई जो जैन धर्म है इसके पैटर्न कौन कौन रहे, इसने किस किस ने इसको सपोर्ट किया है, तो एक संप्रीति नाम के रूलर थे और ये जो संप्रीति थे फ्रेंड्स ये अशोका के ग्रैंड सन थे, तो इन्होंने काफी सपोर्ट किया जैनिज्म को। फिर उड़ीसा के किंग थे खारवेला, इन्होंने काफी सपोर्ट किया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग थे
अमोघ वर्षा, बहुत लंबे समय के लिए अमोघ वर्षा ने राज किया। इनके बारे में मैं तब बात करूंगा जब राजपूरा डायनेस्टी पे आएंगे। तो ये भी आपके जैन धर्म के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, बाद में जैन मॉन्क भी बन गए थे, फिर चालक्य डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी, कादम्बा, राजपूता, सबने सपोर्ट किया फ्रेंड जैनिज्म की। फिर चालुक्यन पीरियड की कुछ केव्स हैं जो जैनिज्म के तीर्थंकारों को दिखाती है, जैसे बदमी केव, बदमी नाम की एक जगह है, वहां पे केव्स हैं, एहोल नाम की जगह है, ये बड़ी फेमस जगह है फ्रेंड्स एंशियंट हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, ये कल्चरली बहुत रिच है, यहाँ पे आपको जैन केव्स मिल जाएंगी। और माउंट आबू अगर आप गए हो तो वहां पे दिलवारा टेम्पल्स है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में जो दिलवारा टेम्पल्स है ना, ये दिलवारा जैन टेम्पल्स है। तो ये भी जैन धर्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माउंट आबू में इन टेम्पल्स को चालुक्य डायनेस्टी के किंगों ने बनवाया था। और जैन धर्म के बारे में जनरल तरीके से बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए जैन धर्म के लोग जैसा कि मैंने बताया नॉन वायलेंस पसंद नहीं करते, वो पीस को पसंद करते हैं। इसलिए जो मर्सेंटाइल कम्युनिटी थी, जो फाइनेंस में डील करती थी, जो ट्रेडिंग में डील करती थी, वो जैन धर्म को उसने अपनाया। एक बहुत बड़ा जो पुश मिला जैन धर्म को, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन छोड़ के जैन सेंट भद्रबाहु का वो शिष्य बन गया और उनके साथ वो साउथ चला गया, कर्नाटका चला गया, और श्रवण बेलगोला नाम की एक जगह पे एक भद्रबाहु केव है, श्रवण बेलगोला नाम की जगह पे एक भद्रबाहु केव है, वहां पे उसने संथारा किया। अब संथारा क्या होता है फ्रेंड, संथारा मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे फास्टिंग करके आप मृत हो जाओ, मतलब अपने आप को आप मार लो धीरे धीरे फास्ट करके। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई जो संथारा है ये सुसाइड है, बट जैंस का बोलना है कि संथारा सुसाइड नहीं है, सुसाइड आप जल्दी में लेते हो, गुस्से में लेते हो, लेकिन संथारा बहुत सोच समझ के काम माइंड से लिया जाता है। तो संथारा आपका जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है, जिसमें धीरे धीरे कम खा के आप अपने आप को मार लेते हो। खैर ये तो आपको पता होगा ही फ्रेंड्स, ठीक है। फिर लॉर्ड कृष्णा के एक रिलेटिव है जिनको जैन तीर्थंकर बोला जाता है, उनका नाम है नेमिनाथ। तो जैनिज्म धर्म में एक सीख है फ्रेंड्स, सीख है, उसमें कहा गया था नेमिनाथ नाम के एक जैन तीर्थंकर है, NEMINATH, इनको अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं, ARISHT। तो ये जो जैन तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ कह लीजिए या अरिष्ट नेमी कह लीजिए, ये एक्चुअली में लॉर्ड कृष्णा के रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, ठीक है। एक ये और चीज हो गई। फिर फ्रेंड्स यहां पे याद रखिएगा, कुछ जैन मैथमेटिशियंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो एक का नाम मैं लिखूंगा वीर सेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जैन मैथमेटिशियन रहे। फिर एक महावीराचार्य, महावीराचार्य ये भी एक इंपॉर्टेंट जैन मैथमेटिशियन रहे। फिर एक है हेमचंद्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन रहे हैं। और एक है महेंद्र सूरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन रहे। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता था वीर सेन, महावीराचार्य, हेमचंद्र, महेंद्र सूरी, ये किससे एसोसिएटेड है, तो मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है, कौन से धर्म से एसोसिएटेड है, तो जैन धर्म से एसोसिएटेड है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए फ्रेंड्स, जो 9 तत्वाज हैं आपके जैन कॉस्मोलॉजी के, जैन धर्म के, उनको मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन वीडियो को शेयर करें, काफी मदद मिलती है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।